हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा सफलता के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा के सफलता की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैक मा विश्व के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति 20 बिलियन डॉलर्स आंकी गई है। दोस्तों, जैक ने यह सफलता इतनी आसानी से नहीं पाया है। उनके संघर्षों को अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि इतनी असफलताओं के बाद भी कोई आदमी कैसे आगे बढ़ते रहने की सोच सकता है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वे 13 साल के थे तभी उन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वे टूरिस्ट गाइड बन गए थे और टूरिस्टों को घुमाने के दौरान वो उनसे इंग्लिश में बातें करने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने यह काम करीब 9 साल तक किया, जिससे उन्हें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो गया था। दोस्तों, जैक मा का वास्तविक नाम मा यून है। इन विदेशियों को गाइड करते करते एक विदेशी व्यक्ति से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बहुत ही कठिन था। तब से मा यून को जैक के नाम से ही जाना जाता है। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसी वजह से वो 4th क्लास में 2 बार और 8th में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी करके ये सभी एग्जाम्स पास की तो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में उन्हें 5 बार असफलताएं मिली। उसके बाद जैक ने एक बहुत ही खराब माना जाने वाला इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की एग्जाम पास की। जैक मा के कैरियर की शुरुआत भी बहुत ही असफलताओं से भरा हुआ था। उन्होंने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच वो एक बार KFC में भी नौकरी के लिए गए। उस समय KFC चीन में पहली बार आया था। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन एकमात्र जैक का चयन नहीं हुआ। शुरू से ही इंग्लिश अच्छी होने के कारण बाद में उन्हें एक कॉलेज में एज अ लेक्चरर रख लिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक ट्रांसलेटर का काम किया। 1995 की शुरुआत में वो अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी भी इंटरनेट नहीं चलाया था। जैक ने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर से संबंधित बहुत सी जानकारियां अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो यह देखकर चौंक गए कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं भी नहीं था। फिर उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि चीन की कोई सामान्य जानकारी भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। जैक को इंटरनेट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा था, जिसके बाद जैक ने इंटरनेट से ही जुड़ी हुई किसी काम को करने का सोचा। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेज था। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके कारण उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, इतने असफलताओं के बाद तो शायद ही कोई होगा जो आगे फिर और कुछ करना चाहेगा, लेकिन नहीं, जैक ने अपनी पुरानी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपने वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक नया वेबसाइट बनाया, जिसका नाम Alibaba.com था। इसमें भी उन्हें शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी,
लेकिन फिर सॉफ्ट बैंक के एक बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ईबे को अगले 4 सालों के अंदर ही अंदर अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैक मा आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति $20 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, अलीबाबा की नेटवर्क फेसबुक से भी कहीं ज्यादा है, और जितना कमाई अमेजॉन और ईबे मिलकर करती हैं, उससे ज्यादा जैक की कंपनी अकेले करती है। दोस्तों, हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी छांव है तो इंतजार करिए, सफलता की किरण आपकी जिंदगी को भी रोशन करेगी। दोस्तों, किसी काम में असफलता मिलने पर हताश ना हो, असफलता तो आपको ज्यादा समझदारी से उसी काम को दोबारा करने का मौका देती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।